सजा में भी मैंने उतना ही भरोसा किया था, लेकिन सजा भुगत रही हूँ मैं। पागल थी मैं जो समझती रही कि ठाकुर साहब तुझे चंद्र की तरह प्यार कर, ये प्यार तुझे मैंने सब कुछ दिया, हर चीज दी, यहाँ तक कि वो हार हुई जो मुझे मेरी मुंह दिखाई पर मिला था। तेरा मन नहीं भरा ना बोली, मैं तो कुछ नहीं जानती थी, अपने अंधविश्वास में जी रही थी, लेकिन तुम तो ठाकुर साहब के इरादों से वाकिफ थी ना, तुम जानती थी ना कि वो तुमसे क्या चाहते, फिर भी उन्हें उकसाती नहीं, उन्हें अपनी तरफ खींचती रही, तेरी बदनसीबी मुझे उनसे दूर ले गई, लेकिन उनसे मुझे तुमने तोड़ाया बोली, ज्यादा बोली बनने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारी किसी बात का कोई विश्वास नहीं करना चाहती, अगर तुम इस मेली में ठगुराइन बनकर नहीं आना चाहती थी तो ये खेल यहाँ तक बढ़ाया क्यों? हवेली में आने के बाद तो मुझे सच्चाई बता सकती थी ना, बोल सकती थी मुझसे सब कुछ सच सच बता सकती थी कि नहीं, फिर क्यों क्यों नहीं बताया मुझे? डर गई थी मैं, 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 बहुत डर गई थी। मैं जानती थी कि आप सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं चाहकर भी आपको कुछ पता नहीं पाई मालगी। सच कहती हूँ, मैं नहीं चाहती थी कि आप भी उसी दर्द और अपमान का शिकार हो जिसका शिकार मैं पिछले कई महीनों से लगातार होती आई हूँ। मालकी, जो शर्मिंदगी आप आज महसूस कर रही है ना, वो शर्मिंदगी में जीती आई हूँ मैं आज तक, आपके पति को औरत की इज्जत की कोई कीमत नहीं है उनकी नजर में, जिसे आप भगवान मान के पूछती आई है, असल में वो शैतान के लाने लायक भी नहीं, फिर कैसे कैसे बताती मैं ये सब कुछ आपको, बोले कैसे बताती मैं सब कुछ। कई बार चाह कि आपके पास आके सब कुछ सच सच बता दूं, लेकिन जब भी चाह आपके अटूट विश्वास को देखकर मेरे कदम रुक गए। उसके बाद मैंने सोचा चाहे मुझ पर जो भी गुजरे, लेकिन मैं आपको दुखी नहीं देखना चाहती, बल्कि नहीं देखना चाहती दुखी। मालिक घर चलिए, मालिक सब लोग आपके घर में इंतजार कर रहे हैं, दादी माँ ने भी आपको बुलाया, घर चलिए मालिक।
इंतजार नहीं कर रहा रात। इस हवेली में मैंने सबको खो दिया रात। तू बता, जो कुछ हुआ वो मेरी क्या गलती? मैंने अमूल्य को चाहा, ये मेरी गलती? मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन समझते मुझे बिल्कुल नहीं समझती, तो ये मेरी गलती नहीं राधा। राधा मैं गलत नहीं हूं, फिर भी अकेला क्यों रात है? तुझे मेरा बहुत मारा, बहुत ज्यादा मारा, तुझे बहुत दर्द हुआ, तुझे कोई दर्द हुआ है गिरा, फिर भी सबको उस दर्द का एहसास है। तो दर्द यहां होता है, उसका एहसास किसी को नहीं होता। क्या है तुझ, बोल क्या है तुझ, जो मुझ में नहीं, क्यों हमेशा मुझे को तेरी फिक्र रही, क्यों उसकी जुबान पर हमेशा तेरा नाम रहता, सिर्फ तेरा, मेरे नाम का जिक्र भी नहीं होता। आंखों में एक आंसू आता तो बोली की आंखें भर आती, यहां मेरा दिल उसके लिए दिन रात रोता, इस घर में आने के बाद आपने जो प्यार और सम्मान दिया मुझे, जो अपनापन दिया, उसे मैं कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं। सच कहती हूँ मालिक, मैं आपकी अच्छाई का ये बदला नहीं लेना चाहती थी। मालिक का मेरे साथ गलत पेश है, वो समझा जा सकता है, क्योंकि वो एक मर्द, वो किसी औरत ये दर्द को नहीं समझ सकते, लेकिन मैं